मुरादाबाद के मोहल्ला डेरिया में 15 दिनों से पानी की ट्यूबवेल मिनी पंप खराब होने के चलते क्षेत्रवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी न होने से लोग परेशान हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों द्वारा क्षेत्र के सभासद से लेकर नगर आयुक्त तक को अवगत कराया है, लेकिन समस्या का हल नहीं हो पाया है। भारत सेवा समिति के महानगर अध्यक्ष आलम नियाजी ने बताया कि 10 महीने पहले यहां पर मिनी पंप लगा था, लेकिन अब यह पिछले 15 दिनों से बंद है। बताया कि कुछ लोगों ने कहा कि वाटर लेवल कम होने के चलते पंप पानी नहीं खींच पा रहा है, जिसके चलते उन्होंने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी कोई वाटर लाइन या मिनी पंप लगाया जाता है तो वह 20 फीट एक्स्ट्रा नीचे गड्ढा कराया जाता है ताकि वाटर लेवल कम होने पर भी पंप पानी खींच सके, लेकिन 10 महीने पहले ही यह पंप लगाया गया है और वाटर लेवल का काम होना अपने आप में बड़ी लापरवाही है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर उन्होंने नगर आयुक्त महोदय को अवगत कराते हुए मामले में कार्यवाही की मांग की है। देखिए परेशानी है, 15 दिन पहले से ये बंद पड़ा और इसे लगभग कोई 10 महीने, ये मिनी पंप 10 महीने पहले लगा था, नया पंप है और सुनने में तो ये भी आया कि जिम्मेदार लोग ये कह रहे हैं कि इसका लेवल कम हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि कहीं भी कोई बोरिंग होता है तो वो 20 फुट ज़्यादा होता है ताकि उसके लेवल में कोई फ़र्क ना आए। इस तरीके से समझा देना, निगम प्रशासन की बहुत बड़ी भूल है और ये गलत है। यहाँ पब्लिक छोटे छोटे मकान आते हैं और एक एक बूंद पानी को तरसा है, जो कि गलत है। मैंने इस पर बिल्कुल साफ में इस पर कर दिया है कि अगर 8 दिन के अंदर अंदर इसका समाधान नहीं हुआ तो अन्यथा हम ऊपर कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं निगम प्रशासन की हो। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान। हम जो है अभी 15 दिन से जो है चखाता चल लिया था, इसकी चाबी मेरे पास रहती है, मैं इसे चलाता था, लेकिन अब जो है ये एकदम से पानी आना इसका बंद हो गया। अब लोग सब परेशान हैं, मुझसे आगे कहते हैं कि भाई इसे सही कराओ, तो मैं कहती हूँ मैंने सभासद से जाकर कहा था, वो कहते हैं भाई दूसरा गड्ढा होगा, इसकी अभी कोई समस्या नहीं है जो इसका कोई हल हो जाने का। मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी अगर वो कोई कार्रवाई करे, इसको खोल के दिखवा ले, ताकि मोहल्ले वालों को जो परेशानी हो रही है वो परेशानी दूर हो जाए। और अगर वहाँ से पानी जो है तहसील स्कूल से बहुत कमी के साथ आता, कभी बंद है कभी नहीं, यहाँ पे जो है सब परेशानी चल रही है। यहाँ के सभासद से कहा था आपने? मैंने उनसे कहा था, लेकिन वो कहते हैं कि गड्ढा दूसरा होगा। वो एक आदमी कोई उनके पास आया, वो कह गया कि जो है बंद हो गया।